अजमेर रेंज आईजी रुपिंदर सिंह ने सोमवार को ब्यावर सदर थाना प्रभारी चेनाराम बेड़ा को निलंबित कर दिया है। थाना अधिकारी चेनाराम बेड़ा ने मादक पदार्थ तस्करी प्रकरण की जांच में कोताही बरती और निर्दोष को गिरफ्तार कर जेल पहुंचा दिया था। निर्दोष होते हुए पीड़ित को 4 महीने जेल में रहना पड़ा। उसके परिजनों की शिकायत पर आईजी ने मामले में दोबारा जांच कराई तो वास्तविकता सामने आ गई। आईजी ने इस पर निलंबन की कार्रवाई कर विभागीय जांच शुरू कराई। मालूम हो कि ब्यावर सदर थाना पुलिस ने 12 सितम्बर 2022 को I-20 कार में 185 किलो रोडा पोस्ट सहित 2 आरोपियों जोधपुर निवासी विश्नोई और बाड़मेर निवासी शेखर विश्नोई को पकड़ा था। मामले में चेनाराम ने जांच की और कार मालिक लक्ष्मीकांत वैष्णव को भी गिरफ्तार किया। तीनों को अदालत ने जेल भेज दिया था। वैष्णव की पत्नी और अन्य परिजनों ने आईजी से तस्करी मामले की निष्पक्ष जांच की गुहार लगाई थी। वैष्णव के परिजनों ने बताया कि जिस कार में मादक पदार्थ बरामद हुआ था वह कार तो काफी समय पहले बेच दी थी। कार का बेचारनामा भी आईजी के समक्ष पेश किया था। आईजी ने अपने स्तर पर विशेष जांच कराई तो वास्तविकता सामने आ गई। पता चला कि वैष्णव के नाम कार रजिस्टर्ड थी लेकिन वैष्णव ने कार बेच दी थी। इसके बाद भी कार 2 बार और बेची गई लेकिन कार खरीदने वाले ने अपने नाम रजिस्ट्रेशन नहीं कराया था। मादक तस्करी में अंतिम बार कार खरीदने वालों को ही लिप्तता थी लेकिन रजिस्ट्रेशन के आधार पर बगैर जांच किए ही थानाधिकारी बेड़ा ने लक्ष्मीकांत वैष्णव को गिरफ्तार कर जेल पहुंचा दिया था। आईजी ने दोबारा जांच रिपोर्ट के आधार पर SHO चेनाराम बेड़ा को दोषी माना गया और सस्पेंड कर दिया गया। आईजी के अनुसार जांच में कोताही के कारण निर्दोष व्यक्ति को 4 महीने तक जेल में रहना पड़ा। वास्तविकता सामने आने के बाद निर्दोष लक्ष्मीकांत की रिहाई के प्रयास शुरू कर दिए गए हैं।